एंटी टैरोरिस्ट फ्रंट के चेयरमैन मनिंदरजीत सिंह बिट्टा अज अमृतसर पहुंचे। बिट्टा वालों एससी मोर्चा भाजपा के पंजाब प्रधान बलविंदर सिंह गिल नूं गोली लगन तो बाद हाल चाल जानने लई पहुंचे। बिट्टा ने कहा, साडी राजनीति की यह बहुत वड्डी कमजोरी है। क्या साडा हिंदू सिख नहुं मास दा रिश्ता है? बिट्टा ने कहा कि सवाल सब तो वड्डा है कि कौन लोग हैं जिहड़े साडे विच इह दीवारां खड़ियां कर रहे हैं। देखो जी मैं एक गल स्पष्ट कह दिया, साढ़े राजनीति की कमजोरी और साढ़े धर्म के प्रचार की बहुत बड़ी कमजोरी। साडा हिंदू सिख एक नौ मास का रिश्ता, साडा हिंदू सिख एक रोटी बेटी का रिश्ता। मैं बटाले हुणे वो शहीद परिवार के घर होके आया, जिते सवेरे चीफ मिनिस्टर साहब गए, मैं हुण उत्थे होके आया। उहदे पिता भी फौज, अगों उहदे पिता जी ग्रैंड फादर भी फौज, उहदे चाचा भी फौज, ते जिहड़े शहीद हो गए वो भी फौज दे विच, वो कह के शहीद होए। जदों पठानकोट ड्यूटी सी ते कहिंदे भी मैं तां अतवादियां नूं मारन जाणा, शहीद होणा, वो शहीद होए। आ साडा रोटी बेटी नौ मास दा रिश्ता है। सवाल सब तो वड्डा है कि ये कौन लोग ने जिहड़े साडे विच दीवारां नूं खड़ियां कर रहे ने, उहनां दे खिलाफ़ की सख्त कार्रवाई होएगी, जां उहनां दे फड़े जाण तो बाद वो मौत दे सौदागरां नूं फिर किहा जाएगा बंदी सिख, पिछले छडवाई जाओ। ते अगे जिहड़े लोकां दे गोलियां ते बंब चलाउण वाले ते पंजाब नूं तोड़न वाले ते खालिस्तान दे नारे देण वाले ते देश नूं तोड़न वाले ते सिक्खी सरूप नूं बदनाम करन वाले, फिर वो भी मौत दे सौदागरां नूं कहां के छड़ दिओ? साडा सिख धर्म मजलूमां दी रख्या लई, बेसहारा दी रख्या लई सजाया गया। साडे गुरुआं दे इतिहास, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर इतिहास, कश्मीरी पंडित ने अपने शीश को निछावर किया। कौन सी टोडर मल जैन जी? वो सन हिंदू समाज के, जैन समाज के, जिन्होंने साडे साहबजादे शहीद होए, दीवारा च चणवाया गया। माता गुजरी की 400 करोड़ की उस वे जमीन रख दी, उस जालमा के सामने कि संस्कार की जमीन मैं देना। ये साडा इतिहास, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कलगीधर को जाते ने, कहते की मंगना है? कहता एक गल मंगना, मैनू औलाद ना देना। क्यों औलाद इस करके नहीं देना, मेरे बच्चे ना कहन कि गुरु महाराज जी साहबजादा जिन्हों चनवाया गया उन्होंने संस्कार लई टोडर मल जैन ने जगह दिती सी। आ साडे इतिहास सिख कौम दे, आ साडियां कुरबानियां ते शहादतां। वो बदमाशो और लुचे हो, सिख कौम नू बदनाम करन वाले हो, ते जिहड़े नहीं बोलते वह भी वड्डे गुनाहगार ने। मैनू दसो कि पंजाब दे अंदर आ चार पंज छड्ड के, चार पंज नाचे जे छड्ड के यार, केड़े की मैं बोलदा उह सुण, जिहड़ी मैं गल करदा मैं मेरी पहलों गल सुणना। चार पंज नाचे छड्ड के दसो किहड़ा हिंदू समाज च सिख समाज च फर्क है, दसो, जवाब दिओ मैनू। को है किसे च फर्क? साडे रोटी बेटी दे रिश्ते, साडे आपस च कारोबार, साडियां इक दूजे दीआं बेटियां, साडियां बेटियां बेटे इक दूजे दे घरां च, ये दीवारा दी जिहड़ियां साडे पाई जा रहीयां ने, किन्हां ने दीवारा पाईयां, कौन नफरत इहनूं खतम करेगा? साडे धर्म दे जिम्मेदार लोग। आ हुण साडे चार जवान पंजाब दे शहीद होए, ऐ दस्तारां सजाईयां, अपने सिख कौम दा नां उच्चा कीता, भारत दा नां उच्चा कीता। मैनूं दसो किसे जिम्मेदार व्यक्ति सिख कौम दे विच किसी प्रचारकों ने अकाल तख्त साहब तो या कितों आवाज़ आई कि इन्होंने देश की कुरबानी दी, कि इन्होंने सिखी सरूप को उच्चा किया? नहीं। कौन सी गुरतेज सिंह? उन्हें जिन्हें चाइना के 25 चाइना श्री साहब कढ के अमृत छकिया, वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह करके उन्होंने सबनों खत्म कर दिता, कौन बोलिया? ना आएगा को दिन खालिस्तान के नारे मारांगे, पर कोई सिर ते दस्तार गुरु महाराज दे सजी सच्चा सिख हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयां दे तिरंगे झंडे चोरी बॉडी लिपटदी आउंदी है, उहदे ते सानू किसे नूं दुख नहीं हुंदा। आ साडे च फर्क है। जदों यूके दे विच शहीद आजम भगत सिंह नूं किहा जांदा आतंकवादी, जिहनूं दुनिया मंनदी, जिहनूं दुश्मन देश पाकिस्तान स्टैचू लाउंदा, उहनूं कहिंदे भगत सिंह अतवादी, भारत माता नूं गालां,
हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक मिनट रुक जाए हिंदू रुक जाओ हिंदू मुसलमान सिख ईसाइया ने तिरंगे च लिपटिया हुई बॉडियां आदियां उन्होंने केंद्र ने असली सरदार ये सानू फैसला करना पड़ेगा सरकारों सख्त कानून बनाने पैणगे कोई भी यहोजा काम करता बाद दे विच फिर मौत का सौदागर जिहड़े बनते हैं वो बंदी सिखना पड़े आ बंदी सिख पहले तो छड़े नहीं गए जिहड़े कहिंदे ने आ नवें हुण असाम जेल च होर चले गए ठीक है।